मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन की गिनती उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में होती है जो लीक से हटकर काम करने में यकीन करते हैं। सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज भारत को दिया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन पिछले कई सालों से सुष्मिता सेन बॉलीवुड से गायब हैं। सुष्मिता आखिरी बार कॉमिक फिल्म नो प्रॉब्लम में दिखाई दी थी और अब खबरों की माने तो कहा यह जा रहा है कि जल्द ही सुष्मिता बॉलीवुड में अपना कमबैक करने जा रही हैं। वो अपनी अगली फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकती हैं। खबरों की माने तो उन्होंने अपने दिए किसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कई स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि उन सभी स्क्रिप्ट में से एक प्रोजेक्ट को आखिरकार हाँ कर ही दिया है। तो वही खबरों के मुताबिक सुष्मिता की इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी और खबरों की माने तो सुष्मिता की ये फिल्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की कहानी जिसमें सुष्मिता लीड रोल में आप सभी को नजर आएंगी और इस फिल्म की आधिकारिक सूचना बहुत जल्दी की जाएगी। यानी कि अभी तक कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आई है लेकिन ये सोर्सेस की माने तो सुष्मिता ने अब एक फिल्म साइन कर ली है। नेक्स्ट नाइन लाइव से शिवानी की रिपोर्ट।